क्या आप जानते हैं कि इंडिया में एक ऐसी सिटी भी है जहां पर गाय का भी आईडी कार्ड बनता है, और इंडिया में एक ऐसा हिल है जहां पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ट्रस्ट मी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो योर रिएक्शन वुड बी लाइक दिस। सो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 20, हमारे प्लैनेट अर्थ में 8.7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं, जिनमें से 70% स्पीशीज इंडिया में एग्जिस्ट करती हैं। मतलब इंडिया सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन में ही नहीं मगर स्पीशीज पॉपुलेशन में भी काफी आगे है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज इंडिया में हर आदमी का आधार कार्ड होता है, बट इंडिया के एक सिटी वेस्ट बंगाल में काओ का भी आईडी कार्ड बनता है, और ऐसा इसलिए होता है ताकि हम गौ हत्या को रोक सके। फैक्ट नंबर 18, नॉर्मली हमारी फैमिली में कितने मेंबर होते हैं? 5, 8 या ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, बट इंडिया में एक ऐसी भी फैमिली है जिसमें 133 मेंबर्स हैं। ये फैमिली मिस्टर जॉयंस चाना की है, जिनकी 39 वाइफ्स, 94 चिल्ड्रन, 14 डॉटर इन लॉज और 33 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। फैक्ट नंबर 17, गाइस सोच कर देखिए कि अगर हमारे प्लैनेट अर्थ में ग्रेविटी ना होती तो क्या होता। हाँ पता है, आप में से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हम लोग उड़ने लगते, बट क्या आपको पता है कि गुजरात के विलेज तुलसी श्याम के पास एक ऐसा ही हिल है जहाँ ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसा देखा गया है कि अगर आप इस हिल के नीचे अपनी गाड़ी न्यूट्रल में पार्क कर दें तो कुछ ही समय बाद ऊपर की ओर जाती हुई नजर आएगी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग भी वहाँ हवा में उड़ने लगेंगे। फैक्ट नंबर 16, मेघालय में मौसिनराम में हर साल 11,873 मिलीमीटर्स बारिश होती है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होने वाली जगह है। फैक्ट नंबर 15, वन ऑफ द बेस्ट फैक्ट अबाउट महाराष्ट्र स्टेट इज द लूनर लेक। मतलब वहाँ पर एक लेक है जिसका नाम लूनर लेक है। माना जाता है कि ये लेक 50,000 ईयर्स पहले बनी थी, जब एक एस्टेरॉयड अर्थ से टकराया था। यहाँ के पानी में दो टाइप्स के टेस्ट आते हैं जो इस लेक को काफ़ी खास बनाती है। फैक्ट नंबर 14, कि आपको पता है कि इंडिया पूरी दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर टाइगर और लॉयन दोनों ही पाए जाते हैं। फैक्ट नंबर 13, गाइज आप कभी या कभी सैलोन तो गए ही होंगे, बट क्या आप ये जानते हैं कि केरला के पुन्नथुर विलेज में एलिफेंट के लिए भी सैलोन है? वहाँ पर ये गर्मियों में जाके आराम करते हैं और स्विमिंग पूल्स में नहाते भी हैं। फैक्ट नंबर 12, गाइस आपने पानी में तैरती हुई बोट कई बार देखी होगी, बट हमारे इंडिया में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो पानी में बना है। जी हाँ, ये पोस्ट ऑफिस पानी में तैरता है। इस पोस्ट ऑफिस का नाम है फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। ये इंडिया के श्रीनगर सिटी में बना है और ये वर्ल्ड का इकलौता पोस्ट ऑफिस है जो कि पानी के ऊपर बना है। फैक्ट नंबर 11, गाइस आप सब जानते हैं कि इंडिया में कितने सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बट वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? आपको ये जानकर बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल और कोई नहीं है बल्कि कुंभ मेला है। इस मेले की खासियत ये है कि इसमें इतने ज्यादा श्रद्धालु शामिल होते हैं कि आप इस मेले को सैटेलाइट से भी देख सकते हैं। ये मेला आउटर स्पेस से अर्थ को देखने पर भी दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 10, 11 जुलाई 2016 को इंडिया ने 50 मिलियन ट्रीज विद इन 24 आवर्स लगाकर गिनीस वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड क्रिएट किया था। फैक्ट नंबर 9, बांद्रा वोरली सीलिंग के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा, बट क्या आप ये जानते हैं कि उसके बनने में जितना स्टील लगा है वो हमारे अर्थ के सर्कमफेरेंस के बराबर है, यानी 43,000 किलोमीटर स्टील से बनी है, और ये एशिया का सबसे बड़ा स्टील से बना हुआ ब्रिज है। फैक्ट नंबर 8, अगर हमारा उत्तर प्रदेश एक अलग कंट्री होता तो ये पूरी दुनिया का 5th सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री होती, और यूपी की टोटल पॉपुलेशन है 22.42 करोड़। फैक्ट नंबर 7, स्विट्जरलैंड में साइंस डे हमारे एक्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम को डेडिकेट करते हुए मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग नेशन, और शायद यही वजह है कि वर्ल्ड का सबसे ज्यादा
ऊंचाई में बना हुआ क्रिकेट ग्राउंड भी इंडिया में ही है। ये स्टेडियम हिमाचल प्रदेश के चैल विलेज में बना है और ये सी लेवल से 2144 मीटर की ऊंचाई पर है। फैक्ट नंबर 5, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेल ब्रिज हमारे कंट्री इंडिया में ही है। ये ब्रिज श्रीनगर में लोकेटेड चिनाब नदी के ऊपर बना है। ये ब्रिज आईफिल टावर से 35 मीटर ज्यादा टॉल और 1175 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है। फैक्ट नंबर 4, जीवन रेखा एक्सप्रेस ये वर्ल्ड की पहली हॉस्पिटल ट्रेन है जो कि इंडिया के द्वारा ही चलाई जाती है। ये ट्रेन रिमोट विलेजेस में जाती है और कैंसर सर्जरी जैसी हेल्थ प्रॉब्लम्स को क्योर करने में हेल्प करती है। फैक्ट नंबर 3, गाइस आपने snapdeal.com का नाम तो सुना ही होगा, बट क्या आप ये जानते हैं कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में एक विलेज है शिवनगर, जिसने हाल ही में अपना नाम चेंज करके snapdeal.com नगर रख दिया है। और इस चीज की वजह यह है कि ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील ने उस विलेज में 15 से ज्यादा हैंडपंप्स लगवाए हैं, जिसकी वजह से विलेजर्स को पानी लेने के लिए दूर नहीं जाना होता है। और यही वजह है कि आप अगर इस विलेज में जाएंगे तो आपको हर तरफ स्नैपडील के ही लोगों नजर आएंगे। फैक्ट नंबर 2, गाइस आपने हावड़ा ब्रिज के बारे में तो सुना ही होगा, बट क्या आप ये जानते हैं कि इस ब्रिज में एक भी नट और बोल्ट कनेक्टेड नहीं है। ये ब्रिज पूरी तरह एलॉय और टिस्कम मटेरियल की वजह से जुड़ा हुआ है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि इतना बड़ा ब्रिज में एक भी नट और बोल्ट नहीं लगा है। नाउ फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं जो कि इस देश की ताकत भी हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। इंडिया में 3 लाख से ज्यादा मॉस्क्यू हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, और किसी मुस्लिम स्टेट या कंट्री में भी इतने ज्यादा मॉस्क्यू नहीं होते। सेकंड, और क्या आपको पता है कि सबसे पुराना यूरोपियन चर्च भी इंडिया में ही है, जो कि कोचीन में सिचुएटेड है। लास्ट फैक्ट, और दुनिया का सबसे अमीर मंदिर भी इंडिया का ही है, जिसका नाम है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। इसमें अकेले 1.2 ट्रिलियन की वेल्थ है। We hope you like this video. Don't forget to like, comment and subscribe this channel.